नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव के बाद भी बंगाल की राजनीति में उठापटक जारी है। एक तरफ बीजेपी संदेश खाली के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी को घेरने में जुटी है, तो दूसरी तरफ एक तरफ ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल ममता बनर्जी अचानक कूच बिहार में बीजेपी की राज्यसभा सांसद अनंत महाराज से मिलने उनके घर पहुंच गई। अनंत महाराज ने भी ममता बनर्जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने काफी देर तक अकेले में बातचीत की। वैसे सीएम ममता और अनंत महाराज में क्या बातचीत हुई, उसकी बहुत ज्यादा जानकारी सामने तो नहीं आई, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उत्तर बंगाल की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। अनंत महाराज उत्तर बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा है। वहां बीजेपी ने पिछले कई वर्षों में तेजी से पैर जमाए हैं। अनंत उत्तर बंगाल के कूच बिहार को अलग ग्रेटर कूच बिहार राज्य बनाने की मांग करने वाले संगठन जेसीपीए के अध्यक्ष हैं। खुद को ग्रेटर कूच बिहार का महाराज बताने वाले अनंत राजवंशी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने उन्हें एक साल पहले ही पश्चिम बंगाल से राज्यसभा भेजा था, तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचने वाले पहले नेता भी हैं। पिछले दिनों अनंत महाराज को तवज्जो देने का बीजेपी को फायदा भी मिला। बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कूच बिहार की 8 में से 6 सीटें विधानसभा सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस के जगदीश बसुनिया ने बीजेपी के निशित प्रमाणिक को हरा दिया। जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की कुल आबादी में करीब 18% से ज्यादा राजवंशी समुदाय की भागीदारी है। राजवंशी समुदाय अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा और प्रभावशाली समुदाय है। उत्तर बंगाल में 5 जिलों में 20 विधानसभा क्षेत्रों में राजवंशी समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन 5 जिलों में कूचबिहार के साथ अलीपुर द्वार भी शामिल है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 के चुनाव में पार्टी कूच बिहार लोकसभा सीट हार गई। वैसे बंगाल में एक सवाल खूब चर्चा में है। पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने अनंत के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी, इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अब सीएम ममता बनर्जी उनसे मिलने उनके आवास गई, तो ऐसे में आगे क्या होगा ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।